दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जस्ट आस्क पर। दोस्तों आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि एक स्विच और सॉकेट से हम एक एक्सटेंशन बोर्ड को कैसे बना सकते हैं। देर न करते हुए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमें एक एक्सटेंशन बोर्ड बनाने के लिए एक चाहिए सॉकेट, एक चाहिए स्विच, और इन दोनों को हम कर लेते हैं एक सीट पर फिक्स। दोस्तों ये हमने एक सीट पर इसको फिक्स कर लिया और इसका आप कर लेते हैं कनेक्शन। ये हमारा सॉकेट है, सॉकेट हमारा 3 पिन का है, 5 एम्पेयर सॉकेट है, एक नॉर्मल स्विच है। ये हमने एक सीट पर इसको कर लिया है फिक्स। आइए करते हैं इसका अब हम कनेक्शन। दोस्तों कनेक्शन करने के लिए आपको इसको हम देख लेते हैं। इसे कनेक्शन करने के लिए हमें चाहिए वायर का टुकड़ा। वायर के टुकड़े को हम छील लेते हैं। ये हमने इसके एक एंड को छील लिया और इस वाले एंड को हम लगाएंगे स्विच के ऊपर वाले पार्ट में, ऊपर वाले हिस्से में, टर्मिनल पर। हम इसको स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पर हम इसको कनेक्ट करेंगे। ये हमने ऊपर वाले टर्मिनल पर कनेक्ट कर दिया और इसका जो दूसरा हिस्सा है ये बहुत बड़ा है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। इस दूसरे पार्ट को भी हम थोड़ा सा छील लेते हैं और इसको स्विच के जस्ट साथ वाले, स्विच के जो साथ वाला सॉकेट है, सॉकेट का जो पिन है, इसके अंदर हम करेंगे इसको फिक्स। इसके साथ वाले हिस्से में हम कर लेते हैं इसको कनेक्ट। इस स्विच के जो जस्ट साथ में है पिन, 3 पिन का, इसके अंदर हम इसको करेंगे कनेक्ट। ये कर दिया, इसको कर लेते हैं बिल्कुल टाइट, लूज नहीं रखना हमने। ये हमने इसको कर लिया कनेक्ट। इसको आप आराम से ऐसे कर सकते हैं। ये कर दिया हमने इसको टाइट। ये मैंने 2 वायर लिया है, ब्लू कलर और ब्लैक कलर की। ब्लू कलर को मैं फेस के तौर पर यूज़ करूँगा और ब्लैक कलर को मैं न्यूट्रल के लिए यूज़ करूँगा। तो हम न्यूट्रल को के लिए इसको कर लेते हैं। न्यूट्रल की वायर को हमें सॉकेट के अंदर देना है। सॉकेट के अंदर हम इस न्यूट्रल की वायर को कनेक्ट करेंगे। ये हमने इसको सॉकेट के अंदर कनेक्ट कर दिया। ये जो फेस वायर होगी हमारी, इसको हम करेंगे कनेक्ट स्विच के निचले हिस्से में। स्विच का जो निचला हिस्सा है इसको लूज कर लीजिए। निचले हिस्से में हम इसको करेंगे कनेक्ट। इसको मिलेगी सप्लाई यहाँ से। एक मिनट, कनेक्ट नहीं हुआ है। स्विच के हम इसको निचले हिस्से में कर देते हैं कनेक्ट। ये हो गया, ये निचले हिस्से में कनेक्ट। एक हमारी अर्थ ग्राउंड करने के लिए अर्थ वायर को हम लेंगे। अर्थ वायर हमेशा 3 पिन सॉकेट के टॉप में लगती है, जो सबसे लंबा भी होता है। इसी के अंदर हम इसको कनेक्ट करेंगे। सेफ्टी पर्पज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। ये हमने इसको कनेक्ट कर लिया। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए, ये हमने इसका कनेक्शन कर लिया। ये हमारी अर्थ की वायर हो गई, ये हमारी न्यूट्रल हो गई। फेस को हमने स्विच के अंदर दे दिया। अब इसको हम कर देते हैं चेक। इसको हमने पलटा, ये हमारे पास सीधा हो गया। ये मेन वायर को हम करते हैं कनेक्ट। दोस्तों ये हमने इसको कर लिया है कनेक्ट और अब देखते हैं, क्योंकि हमने स्विच के जस्ट साथ वाले पिन पर हमने लगाया था इसका पावर सप्लाई, जो स्विच से आउटपुट होकर के आएगी। अभी देखिए टेस्टर ग्लो नहीं हो रहा है क्योंकि हमने स्विच को कर रखा है ऑफ। जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं ये देखिए टेस्टर ग्लो होना शुरू हो जाता है।
ठीक, ये हमारी न्यूट्रल की है, ये हमारा फेस है। तो स्विच के जस्ट साथ वाले पॉइंट पर हमने स्विच से जो आउटपुट निकल करके आती है उसको हमने देना होता है। आइए एक लैंप लगा करके भी इसको टेस्ट कर लेते हैं कि क्या ये ग्लो हो रहा है बल्ब या नहीं। ये हमने एक बल्ब लिया है, टू पिन के साथ ही लिया है इसको। चलिए इसको भी कर लेते हैं फेस टू फेस, मीटर टू मीटर। ये हमने इसमें लगा दिया, ये देखिए ये हमने लगा दिया और स्विच ऑन करेंगे तो मीन्स ये बल्ब हमारा ऑन होना चाहिए। ये बल्ब हमारा ऑन हो गया, इसको ऐसे रख लेते हैं ताकि दिखे। देखिए स्विच ऑन, बल्ब ऑन, स्विच ऑफ, ऑन। इसका मतलब ये है कि हमारा जो एक ये एक्सटेंशन बोर्ड है ये प्रॉपर काम कर रहा है। स्विच ऑन, स्विच ऑफ, स्विच ऑन, स्विच ऑफ। तो इस तरीके से दोस्तों हम किसी भी एक्सटेंशन बोर्ड को तैयार कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने ये जाना कि एक सॉकेट, एक स्विच के साथ हम किस तरह से एक्सटेंशन बोर्ड बना सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि एक स्विच से हमें अगर दो सॉकेट को ऑपरेट करना हो तो हम उसको कैसे कर सकते हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।